in this question, there is a sphere and we have to find the rate at which the volume of spherical balloon will increase. So suppose this is a spherical balloon, sphere. और इन क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, द रेट एट व्हिच द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस. ये जो स्फेरिकल बैलून है इसका वॉल्यूम कैसे कितना रेट में इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम. दैट मीन्स टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून ऑफ स्फेरिकल बैलून. दिस इज गिविन बैलून, वी हैव टू फाइंड दिस. दैट मीन्स दैट इज वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज मीन्स डेरिवेटिव किसका, वॉल्यूम. सो सपोज वी इज वॉल्यूम, तो वी हैव टू फाइंड डी वी बाय डी टी. ये कैलकुलेट करना है. वी आर V is the volume of spherical balloon. जबकि हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिविन है, क्वेश्चन में गिविन क्या है कि द रेडियस इज 2 meters. लेट रेडियस इज x. लेट रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून, ये जो स्फेरिकल बैलून है इसका रेडियस सपोज इज x मीटर and this is given as 2 meter. क्वेश्चन में गिविन के वो जो स्पीयर का रेडियस दिस इज 2 meter. एंड और क्या है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ जब ये पढ़ा रहा था, ये क्वेश्चन में 2 things आपको दिया जाएगा, एक ही थिंग पूछा जाएगा. देखो ये क्या पूछा गया है कि हमको वैल्यू निकालना है डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ इंक्रीज हमको चाहिए. जबकि हमारे पास क्या क्वेश्चन में है, इसका रेडियस दिया गया है और ऑल्सो गिविन क्या है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, और ऑल्सो दिया गया है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ इंक्रीज भी क्वेश्चन में गिविन. एंड दिस इज गिविन एज 0.3 meter per minute. दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस. अच्छा रेट ऑफ इंक्रीज हो या रेट ऑफ डिक्रीज हो, दिस इज नोन डाउट आपका डेरिवेटिव. सो रेट ऑफ इंक्रीज मीन्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसका रेट ऑफ इंक्रीज, रेडियस का, एंड रेडियस इज एक्स डी एक्स बाई डी टी. दिस इज गिविन 0.3 meter per minute. देखो वन एक्स इज गिविन, एक्स का डेरिवेटिव गिविन, सिर्फ ये वाला हमको चाहिए. तो वॉल्यूम एंड एक्स, वॉल्यूम एंड रेडियस, इसके बीच हमको रिलेशन चाहिए. वी हैव वॉल्यूम, स्पीयर का वॉल्यूम इज 4/3 pi इंटू रेडियस का क्यूब मीन्स एक्स क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. बट हमको चाहिए डी वी बाई डी टी. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वी बाई डी टी. This is equal to d by dt of 4/3 pi x³. So 4/3 pi constant, x³ का डेरिवेटिव है 3x² into dx by dt. जबकि सब का वैल्यू हमारे पास है 4/3 into 3 कैंसिल हो गया. दिस इज 4 pi एंड x², x इज आपका 2 meter. सो दिस इज 2 meter का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज 0.3 meter per minute. एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 4 pi इंटू ये हो गया 2 meter का स्क्वायर 4 meter इंटू, तो ये हो गया 4 pi इंटू 4 meter square इंटू 0.3 meter per minute. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15.08 एंड मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर इसी मीटर का क्यूब हो गया क्यूबिक मीटर पर मिनट. सो दिस इज द डी वी बाई डी टी मीन्स दिस इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल बैलून इज 15.08
क्यूबिक मीटर पर मिनट।